गए जिस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे दो इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में जिसकी प्राइस शुरू होती है 1 लाख से, जिसमें आपको परफॉर्मेंस बेहतर देखने को मिलेगा, फीचर के मामले में बेहतर और बिल्ड क्वालिटी की बात करें गाइस तो इन दोनों ही इलेक्ट्रिक स्कूटर से बेहतर बिल्ड क्वालिटी किसी भी कंपनी के इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और गाइस वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गए जिस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एथर एनर्जी की तरफ से आने वाली एथर 450S और बजाज कंपनी की तरफ से आने वाली बजाज चेतक अर्बन के बारे में। गाइज ये दोनों ही इलेक्ट्रिक स्कूटर बिल्ड क्वालिटी के मामले में, फीचर के मामले में, परफॉर्मेंस के मामले में काफ़ी बेहतर है। हालांकि रेंज इसमें आपको 100 किलोमीटर तक का ही देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले अगर बात करें एथर 450S की, तो ये इलेक्ट्रिक स्कूटर आपको एरोडायनेमिक लुक में मिलने वाली है। साइड प्रोफाइल की बात करें गाइज तो साइड से ए इलेक्ट्रिक स्कूटर कुछ ऐसी दिखती है जहां पे आपको फ्लैट फुट बोर्ड देखने को मिल जाता है सिंगल सीट के साथ, और रियर में गाइज एक बेहतरीन क्वालिटी का ग्रैब रेल भी दिया गया है। बॉडी पैनल की बात करें गाइज तो इसके जो बॉडी पैनल्स बने हुए हैं सारे के सारे एक बेहतरीन क्वालिटी के फाइबर से बने हुए हैं। बात करें इसके सस्पेंशन और व्हील की गाइज तो इसके फ्रंट में एज यूजुअल टेलीस्कोपी सस्पेंशन दिया गया है, रियर में गाइज मोनोशॉक सस्पेंशन दिया गया है। टायर की बात करें गाइज तो फ्रंट रियर दोनों में आपको 90x90 12 इंच का ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाएगा एलॉय व्हील के साथ। ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें गाइज तो कंबाइन ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया और दोनों ही पहियों में आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाएगा। लाइटिंग की बात करें गाइज तो हेडलैम्प टर्न इंडिकेटर से लेकर टेल लाइट्स सारे के सारे आपको एलईडी में ही देखने को मिल जाता है। यहीं पे अगर बात करें बजाज चेतक अर्बन की, तो ये इलेक्ट्रिक स्कूटर आपको क्लासिक लुक में मिलने वाली है। साइड प्रोफाइल की बात करें गाइज तो साइड से ए इलेक्ट्रिक स्कूटर कुछ ऐसी दिखती है, और इसमें भी आपको फ्लैट फुट बोर्ड देखने को मिल जाएगा सिंगल सीट के साथ, और रियर में गाइज एक बेहतरीन क्वालिटी का ग्रैब रेल भी दिया गया है। बॉडी पैनल की बात करें गाइज तो इसके जो बॉडी पैनल्स बने हुए हैं वो सारे के सारे मेटल से बने हुए हैं, जो आपको एक बेहतर स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है। बात करें इसके सस्पेंशन और व्हील की गाइज तो इसके फ्रंट में सिंगल साइडेड लीडिंग लिंक सस्पेंशन दिया गया, रियर में ऑफसेट मोनोशॉक सस्पेंशन दिया गया है। टायर की बात करें गाइज तो फ्रंट पे आपको 90x90 12 इंच का, और रियर में गाइज 90x100 12 इंच का ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाएगा एलॉय व्हील के साथ। ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें गाइज तो इसमें भी कंबाइन ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है, लेकिन गाइज इसके फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाएगा और रियर में ड्रम ब्रेक ही दिया गया है। लाइटिंग की बात करें गाइज तो हेडलैम्प टर्न इंडिकेटर से लेकर टेल लाइट सारे के सारे आपको एलईडी में ही देखने को मिल जाएगा। अब अगर बात करें इन दोनों ही इलेक्ट्रिक स्कूटर की बैटरी कैपेसिटी और मोटर पावर की, तो एथर 450S में 2.9 किलोवाट आवर्स का बैटरी पैक दिया गया है, जिससे ये इलेक्ट्रिक स्कूटर आपको 115 किलोमीटर की IDCA रेंज प्रोवाइड करती है। रियल रेंज की बात करें गाइस तो ये इलेक्ट्रिक स्कूटर आपको 80 किलोमीटर की रियल वर्ल्ड रेंज प्रोवाइड करती है सिंगल चार्ज पे। चार्जिंग टाइम की बात करें गाइस तो ये इलेक्ट्रिक स्कूटर को 0 to 100% चार्ज में लगते हैं 5 to 6 आवर्स। मोटर की बात करें गाइस तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में 5.4 किलोवाट के पीक पावर वाला PMS मिड ड्राइव मोटर दिया गया है, जो आपको टॉप स्पीड प्रोवाइड करता है 90 किलोमीटर पर आवर की। यहीं पे अगर बात करें बजाज चेतक अर्बन की, तो इसमें 3.2 किलोवाट आवर्स का बैटरी पैक दिया गया है, जिससे ये इलेक्ट्रिक स्कूटर आपको 127 किलोमीटर की IDCA रेंज प्रोवाइड करती है। रियल रेंज की बात करें गाइस तो ये इलेक्ट्रिक स्कूटर 100 से लेकर 110 किलोमीटर की रियल वर्ल्ड रेंज प्रोवाइड करती है। मोटर की बात करें गाइस तो इसमें 4.2 किलोवाट के पीक पावर वाला साइड माउंटेड मोटर दिया गया है, जो आपको टॉप स्पीड प्रोवाइड करता है 65 किलोमीटर पर आवर की। अब अगर बात करें इन दोनों के फीचर की, तो एथर 450S में आपको डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, राइडिंग मोड, रिवर्स मोड, बैटरी पावर इंडिकेटर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जैसे फीचर आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। गाइज अभी इस इलेक्ट्रिक स्कूटर पर डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, तो अगर आप 31 मार्च तक इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को परचेज कर लेते हैं तो ये इलेक्ट्रिक स्कूटर आपको 1,09,999 रुपये की एक शोरूम प्राइस पर मिल जाएगी। और अगर आप 31 मार्च के बाद परचेज करते हैं तो इसकी प्राइस हो सकता है आपको ज़्यादा देखने को मिल सकता है। बात करें बजाज चेतक अर्बन की, तो इसमें आपको कुछ इस प्रकार का डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, राइडिंग मोड, रिवर्स मोड, बैटरी पावर इंडिकेटर, चार्जिंग पोर्ट जैसे फीचर आपको इसमें देखने को मिल जाता है।
इसके प्राइस की बात करें गाइज तो इसकी एक शोरूम प्राइस है 1,15,000। तो गाइज अगर आप 2024 में एक ऐसे इलेक्ट्रिक स्कूटर परचेज करने की सोच रहे हैं जो परफॉर्मेंस के मामले में, बिल्ड क्वालिटी के मामले में बेहतर हो, तो ये दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर को एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें। बाकी गाइज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले।